आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। छत्तीसगढ़ में राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। यहां आप दो रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। पहले रिक्रूटमेंट के बारे में हमने आपको पहले ही अपडेट दे दिया है, जिसमें लगभग 34 पद हैं। अगर अभी तक आपने उसमें आवेदन नहीं किया है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहां से आप आवेदन कर सकते हैं। उसका लास्ट डेट क्या रखा गया है तो 29 जनवरी 2021 रखा गया है। इसके अलावा एक और लेटेस्ट नई वैकेंसी जारी किया गया है छत्तीसगढ़ में राज्य लघु वनोपज के तहत, जिसमें यहां देख सकते हैं नियमित पदों पर नियुक्ति के लिए यह वैकेंसी जारी किया गया है। चलते हैं विज्ञापन के बारे में विस्तृत जानकारी जानते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। यहां आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादा में यह वैकेंसी जारी किया गया है और नियमित पदों पर नियुक्ति के लिए ध्यान देंगे, ये संविदा नहीं है, ये नियमित नियुक्ति है। यहां आप देखेंगे पहला जो पद है वो लिखा हुआ है प्रबंधक लेखा, एक पोस्ट है इसमें और वेतनमान 15,600 से 39,100 रुपये पर मंथ वेतन रखा गया है। इसमें योग्यता की बात करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसके अलावा जो दूसरा है प्रबंध उप प्रबंधक, तो इसमें भी एक पोस्ट है और वेतनमान सेम रखा गया। इसमें भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कोर्स होते हैं उसका परीक्षा आप उत्तीर्ण किए होने चाहिए। इसके अलावा जो ICAI है उसका वो उत्तीर्ण आप होना चाहिए। इसके अलावा सदस्य होना अनिवार्य है। इसके अलावा प्रोग्रामर के पदों पर भी वैकेंसी जारी किया गया, जिसमें वेतनमान सेम रखा गया है। और इसमें योग्यता की बात करें तो कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातक अर्थात बी कंप्यूटर साइंस आप कोर्स पूरा किया होने चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर उपयोजन में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि एम प्रोग्रामर पोस्ट के लिए, या पहला जो बी कंप्यूटर साइंस मांगा गया है उसके नीचे आप देखेंगे तो कंप्यूटर उपयोजन में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर अर्थात आपने MCA का कोर्स किए हैं तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद है जो चौथा तरह का पोस्ट है कर सहायक, जिसमें एक पोस्ट है और इसमें योग्यता की बात करेंगे तो एम काम मांगा गया। देख सकते हैं एम काम 60% अंक से उत्तीर्ण होना चाहिए, कम से कम 60% अंक आपका एम काम में होना चाहिए। वेतन लेवल आप यहां देख सकते हैं वेतन लेवल 7 रखा गया है। इसके बाद आयुर्वेद चिकित्सा, ये पद संविदा है। ध्यान देंगे हमने जितना चार तरह का अलग अलग पोस्ट देखा वो नियमित पद है और ये जो आयुर्वेद चिकित्सक का पद है ये संविदा नियुक्ति है। इसमें भी पदों की संख्या 1 रखा गया और वेतनमान 40,000 रुपये पर मंथ रखा गया, एक मुश्त वेतन। इसमें योग्यता की बात करें तो आयुर्वेद विषय में स्नातक होना चाहिए। इसके बाद आप और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिल जाएगी। जैसे कि हम यहाँ नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, आवेदन करने का तारीख दिया हुआ है। सबसे पहले आप 6 फरवरी 2021 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं और आप पंजीकृत या स्पीच पोस्ट के माध्यम या रजिस्टर डाक के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। आपको आवेदन शुल्क भी देने होंगे और आप DD के रूप में आवेदन शुल्क देना होगा। यहाँ देख सकते हैं डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना होगा बैंक में। इसके बाद पात्रता की शर्तें यहाँ दी गई है। छत्तीसगढ़ में जितने भी जिले हैं सभी जिले कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा यहाँ बताया गया है, एज लिमिट न्यूनतम कम से कम 21 वर्ष पूर्ण हो जाए रहना चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष रखा गया है। अब और नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ नियुक्ति हेतु पात्रता का नियम दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ चयन प्रक्रिया कैसे रहेगा वो दिया हुआ है। सभी पोस्ट के लिए चयन प्रक्रियाएं अलग अलग रखी गई है तो आप अपने जिस पोस्ट पर आवेदन कर रहे हैं उस पोस्ट का आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको सबसे नीचे में आवेदन पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। आप देख सकते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ एडवर्टाइजमेंट पर व्यू पर क्लिक करके आप जो न्यूज़पेपर कटिंग दिया रहता है वो देख सकते हैं। यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और जो हमने आपको यहाँ PDF बताया ये PDF आप देखेंगे तो यहाँ दूसरा लिखा हुआ है टर्म एंड कंडीशन इन द सिलेक्शन प्रोसेस, इस पर क्लिक करके जान सकते हैं। आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, जहाँ से आप सीधे इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और पूरा डिटेल डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सीधे PDF डाउनलोड करने का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, जहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।